ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर यह उपाय आपसे शेयर कर रहे हैं। यह उपाय किन लोगों को करना है ध्यान से सुने। जिनके यहाँ उनको लगता है कि हमारे यहाँ पितृ दोष है, बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, गृह क्लेश बहुत ज़्यादा है, आपस में बिना बात में झगड़े होते हैं, धन नहीं टिकता है, एक रुपया कमाते हैं 1.25 रुपया खर्च हो जाता है, तो उनको यह उपाय जरूर करना। यह उपाय आपको 23 से लेकर 25 सितंबर तक करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है, एक कंडा लेना है और थोड़ा सा गाय का घी। इतना सामग्री लेकर आप सबसे पहले कंडे को सुलगा लें, प्रज्वलित कर लें, उसके ऊपर गाय का घी डालें। गाय का घी डालने के बाद वह गुड़ डालें और अपने पितरों का आवाहन करें, उनसे विनती करें, प्रार्थना करें, गलतियों की क्षमा मांगें, जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा मांगें। इस तरह से पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से पितरों की मुक्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, जिसके घर से आपके घर में धन दान की कमी नहीं आती है, आपका घर खुशियों से भर जाता है, आपके घर में सारे मंगल कार्य होने लगते हैं, आपके बच्चों के विवाह होने लगते हैं, गृह क्लेश समाप्त हो जाता है। तो ये छोटा सा उपाय आप 3 दिन जरूर करें, क्योंकि यदि आप चूक गए तो ये उपाय करने के लिए आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही आपको ये दोबारा मौका मिलेगा। तो आप बिल्कुल नहीं चूके, यह उपाय जरूर करें। ओम नमो शिवाय।